दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली एक अकाउंट के बारे में अनाउंस किया जो कि है इंस्टा माइन सेविंग्स अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट को आप ऑनलाइन घर बैठे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे घर बैठे अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आधार और पैन कार्ड की मदद से कैसे आप आईसीआईसीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है buy.icicibank.com। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे तीन बैंक अकाउंट आपको दिखेगा, इंस्टा सेव अकाउंट, इंस्टा सेव 3-in-1 अकाउंट, माइन सेविंग्स अकाउंट। सो इस तीनों बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिए। यहां पे कंप्लीट बात किया तीनों अकाउंट के बारे में। तो हमारे इस केस में हम ओपन करेंगे माइन सेविंग्स अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सिंपली करना है अप्लाई नाउ। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टा सेव माइन अकाउंट। यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके अकाउंट के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन एंड एंजॉय योर आईसीआईसीआई बैंक माइन अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस, यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। और यहाँ पे जो एज का रिक्वायरमेंट है 18 से लेके 35। इसके बाद आप देख सकते हैं अकाउंट बेनिफिट जीरो बैलेंस अकाउंट। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो चलिए यहाँ पे सिंपली करते हैं क्लोज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, और यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको डालना है आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मेल आईडी एंड पैन नंबर डाल के सिंपली करता हूँ कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली करना है कंटिन्यू। तो मेरा यहाँ पे जो वन टाइम पासवर्ड है ओटीपी मैं डाल देता हूँ 575697। एंड ओटीपी डालने के बाद सिंपली करना है कंटिन्यू। ओटीपी डाल के कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आधार नंबर डालने का, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के सिंपली करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन वाया UIDAI OTP सेंड टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। तो मुझे रिसीव हो चुका है OTP, मैं डाल देता हूँ 955143। और OTP डाल के सिंपली करना है कंटिन्यू। और यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, सिंगल या फिर मैरिड। यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका क्या है, प्रोफेशनल, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट करेंगे तो यहाँ पे हाउसवाइफ, रिटायर्ड या फिर स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फंड्स फ्रॉम फैमिली, पेंशन, एग्रीकल्चर, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर अदर्स है तो यहाँ पे अदर्स करेंगे। यहाँ पे एडुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकम रेंज, यहाँ पे आपका ईयरली इनकम कितना है, अप टू 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 to 20 lakhs आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे की तरफ सिंपली करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है नेम टू बी प्रिंटेड ऑन डेबिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड में क्या नाम प्रिंट रहेगा। यहाँ पे चूज योर नॉमिनी, यहाँ पे फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉमिनी डिटेल्स नहीं देने के लिए तो सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे नो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विदाउट नॉमिनेशन। अगर आप सैलरीड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा डेजिग्नेशन आपका और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली यहां पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए और सिंपली करना है आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा परमानेंट एड्रेस, जो डेटा है आधार से फेच होके यहां पे दिखाएगा, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है यहां पे दिखाएगा। सिंपली आपको नीचे की तरफ जाना है और यहां पे आप देख सकते हैं आई एम टैक्स रेसिडेंट ओनली इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर टैक्स देते हो तो यहां पे करेंगे नो, अगर सिर्फ इंडिया में देते हो तो यहां पे यस करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस विल बी सेम एज पर परमानेंट एड्रेस, यहां पे यस करेंगे। यहां पे प्लेस और सिटी ऑफ
बर्थ डालना है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, किस सिटी में, यहाँ पे डालने के बाद सिंपली करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे मैं ब्लर करके रखा, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए तो यहाँ पे पेंसिल आइकन में क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप सब कुछ सही से चेक कीजिए एंड फाइनली आपको करना है कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा यहाँ पे सिंपली आपको आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन करना है। यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट द एप्लीकेबल वीडियो केवाईसी टर्म्स एंड कंडीशन करके सिंपली करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर, और यहाँ पे ओटीपी डाल के सिंपली करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने वीडियो केवाईसी का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा विद इन 48 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं वीडियो केवाईसी बाद में करने के लिए तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर फिर से आना है buy.icicibank.com। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सिंपली जाना है ट्रैक में, और ट्रैक में जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डाल के सिंपली करना है ट्रैक योर एप्लीकेशन। और जैसे ही ट्रैक योर एप्लीकेशन करेंगे आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा वीडियो केवाईसी का लिंक। दोस्तों आपको दिखा दिया किस तरीके से आप घर बैठे आईसीआईसीआई बैंक इंस्टामाइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियो मैंने बना दिया, कैसे डेबिट कार्ड का पिन एक्टिवेशन कर सकते हैं, चेकबुक के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और भी काफी सारे वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। दोस्तों आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से हम आईसीआईसीआई इंस्टामाइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।